इन दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ काइट इज फ्लाइंग ऑन द इन द स्काई, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द काइट इज 420 मीटर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, देन वट इज द लेंथ हाइट ऑफ द काइट इन मीटर। यानी कि माना कि एज्यूम किया कि ये काइट एच हाइट पर उड़ रही है, वो क्या करती है भूमि के पॉइंट से टच होता है उसका स्ट्रिंग यानी रस्सी। ये मेरे पास में काइट है ये, और इसकी जो दे रखी लंबाई वो दे रखी है 420 मीटर, और यहाँ पर जो एंगल दे रखा है मुझे वो एंगल दे रखा है आपका 30 डिग्री, और मुझसे पूछा है हाइट ऑफ द काइट पूछा हुआ है, तो मैं जानता हूँ ये 30 है, तो ये मेरे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये मेरे पास कितना होगा 60 होगा। अगर मुझे ये 30 के सामने वाला साइड अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो ये मेरी 60 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, मेरे पास में रूट 3 होगी है, और 90 के सामने जो होगी 30 के सामने वाली की डबल होगी यानी कि 2 होगी, बट ये 2 नहीं है, कितनी मेरी 420, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 210 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आंसर आएगा 210 मीटर, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद।